हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। इस वीडियो में मैं आपको लेटेस्ट सब्जेक्ट देने वाला हूँ, आरआरबी ग्रुप डी की आंसर की को लेके। बहुत सारे छात्र बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि आरआरबी ग्रुप डी की आंसर की कब तक जारी होगी, तो उसको लेके मैं आपको ये लेटेस्ट सब्जेक्ट बताने वाला हूँ कि आपकी आंसर की कब तक जारी होने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो पसंद आए तो देखने के बाद लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करें जो आपके फेज वाइज आपके जो एग्ज़ाम हुए हैं, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फेज। आप सभी को पता है फर्स्ट से लेके फोर्थ फेज तक का आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया गया है। वही बात करें जो आपका फिफ्थ फेज है, फिफ्थ फेज अभी एग्ज़ाम चल रहा है। आप सभी छात्रों को पता है कि फिफ्थ फेज का एग्ज़ाम चल रहा है। वहीं बात करें जो आपकी वैकेंसीज थी, इसमें कितनी थी आपकी, 10,301,100 कुछ वैकेंसी थी, जिन्हें बढ़ा दिया गया है। आपकी वैकेंसी को करीब 1,00,000 से ऊपर प्लस वैकेंसी कर दी गई है आपकी, इसमें जिसमें कि आपके एप्लीकेंट 1.1 करोड़ है। वहीं बात करें आंसर की को लेके कि आंसर की आपको कब तक देखने के लिए मिल जाएगी, तो मैं आपको डायरेक्ट अपडेट पे ले चलता हूँ, जो कि अपडेट आई है रेलवे की तरफ से कि आपको आंसर की के लिए ऑफिशियल अपडेट कब तक मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं बोर्ड नेम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आप देख सकते हो टोटल आपके एप्लीकेंट देख सकते हो 1.1 करोड़ एप्लीकेंट थे। वहीं बात करें वैकेंसीज की, आपकी 1,03,769 वैकेंसी बाद में कर दी गई, पहले ये कम भर्तियाँ थी। अब बात करें आपके फेज जो हो सके हैं, 1 से 4 फेज का एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया गया है। वहीं बात करें आपकी पांचवा फेज अभी चल रहा है, जैसा कि आप सभी को पता है। अब बात करें आंसर की को लेके, तो आंसर की जो आपकी अक्टूबर में पूरे आसार है कि अक्टूबर में आपकी आंसर की रिलीज़ कर दी जाएगी। आप अक्टूबर सेकंड वीक का इंतज़ार कर लीजिएगा, अक्टूबर सेकंड वीक तक आपको ऑफिशियली आंसर की देखने के लिए मिल जाएगी साइट पर, वो मैं बता देता हूँ आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वहीं बात करें इनकी तरफ से ऑफिशियली अनाउंस भी किया गया है कि आपको अक्टूबर के फर्स्ट वीक में कोई नोटिस दे दिया जाएगा आरआरबी की तरफ से कि आपके कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन होगा तो आप उस आंसर की में एरर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए अक्टूबर के जो फर्स्ट वीक में है आपको इसके लिए ऑफिशियल नोटिस मिल जाएगा और सेकंड वीक में आपके आंसर की कंफर्मली रिलीज़ कर दी जाएगी। अगर ये अपडेट पसंद है तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर देना।